19 नवंबर 2022 को 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम लोग रखे हैं। 19 नवंबर 2022 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक इसका वोटिंग है। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से छात्रों को जिस चुनाव का इंतजार था, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव, उसकी बिगुल बज चुकी। विश्वविद्यालय के कुलपति गिरीश शंकर ने चुनाव के तिथि की घोषणा कर दी है। 19 नवंबर को चुनाव होना है। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक 19 नवंबर को चुनाव होगा, यानी कि उस दिन वोटिंग होगी और उसके बाद 19 नवंबर को ही शाम के 4 बजे से मतगणना होगी, जो देर रात तक होगी। और उसी दिन जो विजयी उम्मीदवार होंगे उनका ऐलान कर दिया जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना विश्वविद्यालय के कुलपति गिरीश शंकर, पहले आप वो सुने। 11 नवंबर 2022 को हम लोग उसको स्क्रूटनी करेंगे और पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनल, जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, वो 11 तारीख को ही हम लोग 5 बजे अनाउंस कर देंगे। उसके बाद बीच में गिरभान सेल हम लोगों ने गठित की है। अगर इस बीच में किसी बच्चों को कोई गिरभांसेज हो तो 12 तारीख को 3:30 बजे तक अपना गिरभांसेज रख सकते हैं गिरभान सेल के तहत। और जो गिरभान सेल जो है 12 तारीख को 5 बजे तक अपना डिसीजन देगा कि जो गिरभांस जेन्युइन है तो ठीक है, नहीं है तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जो भी गिरभान सेल ने डिसीजन दिया उससे बच्चे संतुष्ट नहीं है तो अपील भी कर सकता है। वो अपील करने का जो है ये है 6 बजे शाम में 12 तारीख को ही भाई चांसलर के यहाँ वो अपील कर सकता है कि ये मेरा गिरभांसेज था, गिरभांसेज कमेटी ने जो डिसीजन दिया है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। उसके बाद विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर बाय द कैंडिडेट, जो भी नॉमिनेशन भरे हैं ये सब के बाद चाहें तो कैंडिडेट अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। उसकी तिथि हम लोग रखे हैं 14 नवंबर 2022 को 3:30 बजे तक नाम अपना वापस ले सकते हैं। डिसीजन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी 14/11 को ही 5 बजे तक आ जाएगा। और पब्लिकेशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, जो फाइनली सब अपील के बाद सब कुछ होने के बाद 14 नवंबर को भी 6 से 7 बजे तक हम लोग इसको अनाउंस कर देंगे कि ये फाइनली यही ये लोग जो हैं इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और डेट ऑफ वोटिंग जो है, जो 19 नवंबर 2022 को 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम लोग रखे हैं, 19 नवंबर 2022 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक इसका वोटिंग है। ये वोटिंग के लिए हम लोग 10 बूथ बनाते हैं अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग 14 कंस्टिट्यूएंसी बूथ हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, टोटल कंस्टिट्यूएंसी 14 है। अब डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ ये उसको हम लोग बूथ स्टूडेंट्स बूथ को हम लोग डिसाइड करेंगे। और वोट का काउंटिंग भी 19 तारीख को 4 बजे से लेकर के शुरू होगा और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी उसी दिन काउंटिंग के बाद शाम तक हर हालत में कोशिश करेंगे रात तक उसको हम लोग डिक्लेयर कर दें। और इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इलेक्शन के लिए ये बच्चों को हम लोग अनाउंस कर देंगे कौन कौन इलेक्शन करेंगे। और आज सारे जो भी हमने बहुत सारे कमेटियाँ बना रखी है ये सारा वेबसाइट पर चला जाएगा। इसके लिए हम लोग कुछ कमेटी बनाए हैं, एक टू कंडक्ट द इलेक्शन, इसके लिए कमेटी बनाए हैं जिसमें चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो हैं हमारे बगल में बैठे हैं खगेंद्र जी हैं, जो कि इन्हीं के देख रेख में पूरा इलेक्शन होगा। आपने सुना, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति ने सीधे तौर पर कहा है कि लंबे समय से इस चुनाव का इंतजार था छात्रों को, लेकिन कोरोना की वजह से ये चुनाव नहीं हो पा रहा था, पब्लिक गैदरिंग की मनाही थी और कई सारे कारण थे जिस वजह से चुनाव में विलंब हुआ, लेकिन अब चुनाव होगा। नेगेटिव न्यूज़ भी आया, आज पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज के कैंपस में बमबाजी हुई, लेकिन वीसी ने सीधे तौर पर कहा कि अब चुनाव होना है तो होना है, ऐसे ही काफ़ी विलंब हो चुका है। तो 19 नवंबर को हम लोगों ने तय किया है कि 19 नवंबर को चुनाव होगा, सुबह के 8 बजे से 2 बजे तक पटना विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में वोटिंग की जाएगी शिक्षकों और छात्रों के द्वारा।
और उसके बाद 19 नवंबर को ही शाम 4 बजे से मतगणना होगी और उसी दिन उम्मीदवारों की भी, जो विजयी होंगे उम्मीदवार, उनकी भी घोषणा कर दी जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एच डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एच डी न्यूज़।